एंड वेलकम टू माय लेयर्ड वास्तु चैनल। वी आर बैक अगेन एंड दिस साइड सीमा भाटिया। आई एम अ दिल्ली बेस्ड वास्तु कंसल्टेंट एंड व्यूअर्स, आई एम प्रीटी मच श्योर यू फाइंड टुडेज वीडियो वेरी क्लोज टू योर हार्ट बिकॉज टुडेज डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट एंड इट्स एट्रीब्यूट इज कैश एंड लिक्विडिटी। क्या एग्जैक्टली? कैश एंड लिक्विडिटी। तो अगर हम बात करते हैं आज की इस डायरेक्शन से रिलेटेड टिप की, तो आप यहाँ पर माँ लक्ष्मी की फोटो जिसमें वो उन्होंने स्थान ग्रहण किया हुआ हो, वो बैठी हुई हो, आप माँ लक्ष्मी की फोटो यहाँ लगा सकते हैं और उनकी वर्शिप से, उनकी पूजा से आप जो कि अपने आप में ही एक संपन्नता का प्रतीक है, उनकी ब्लेसिंग से आप अपनी लाइफ में संपन्नता ला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया कैश एंड लिक्विडिटी की डायरेक्शन है और फायर को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो फायर है, मेटल की बात करते हैं तो कॉपर है, शेप की बात करते हैं तो ट्राइंगल है, एंड कलर की बात करते हैं तो रेड कलर एंड रेड्स फैमिली कलर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, शेप, कलर और एलिमेंट। अगर हम बात करते हैं ये डायरेक्शन हमें क्या देती है लाइफ में, तो ये डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन रोल प्ले करती है, क्योंकि आप अपने बिजनेस में जितने भी कर्म करते हैं, जितने भी एफर्ट्स करते हैं, उसको एक फाइनली कैश फ्लो, जो हार्डकोर मनी आपके हाथ में आती है, उसको रिप्रेजेंट करती है ये डायरेक्शन। और आपकी हेल्थ को भी गवर्न करती है, आपके रिलेशन को गवर्न करती है। आपको सुबह उठते ही जो एक स्पार्क, एक इनिशिएशन चाहिए होता है सारा दिन भाग दौड़ के लिए, वो डायरेक्शन भी आपको साउथ ईस्ट ही देती है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की जो फायर है वो आपको इनिशिएट करती है किसी भी काम के लिए। और आपको पता ही है कि इनिशिएशन का हमारी लाइफ में क्या रोल है। अगर हम बात करते हैं इस डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस है तो आपको बहुत तरह की इनसिक्योरिटीज़ देती है। आप पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो इश्यूज़ आ सकते हैं वो इस डायरेक्शन की वजह से आ सकते हैं। एंगर इशू देती है ये डायरेक्शन, आपको इनसिक्योरिटीज़ देती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, हेल्थ इनसिक्योरिटी। अगर ये दिशा बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है आपके घर में, तो आप देखेंगे कि एक्सीडेंट्स बहुत देखने को मिल रहे हैं आपके घर के अंदर। और कहीं ना कहीं ये आपको जो हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, वहाँ से भी प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसलिए हमेशा इस दिशा को बैलेंस रखने का प्रयास कीजिए, ताकि इसके जो ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें। इस दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस दिशा में आपकी किचन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि किचन का जो चूल्हा है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके डायरेक्शन इस डायरेक्शन में किचन होती है तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। आप यहाँ पे लॉकर की प्लेसमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये लॉकर अगर आपका यहाँ पर है तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, आपके लॉकर में कैश हमेशा बना रहता है। और हमारे जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ भी आप साउथ ईस्ट में उसमें लॉकर की प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ बेडरूम है, तो यहाँ उन लोगों के बेडरूम हो सकते हैं जिनकी लाइफ में एक स्पार्क की, एक इनिशिएशन की कमी है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी बहुत प्रोएक्टिव हैं उनके लिए डायरेक्शन अगर होगी तो वो ऑल द टाइम उनके दिमाग में सिर्फ पैसों का भाग, पैसों के पीछे भागना, यही सब चलता रहेगा। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, ये जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमें कैसे यूज़ करना है, वो आपके सिम्टम्स बेस्ड होते हैं कि आपके लाइफ में क्या सिम्टम्स हैं, उसी अकॉर्डिंग यहाँ रिकमेंडेशन दी जाती है आपको। और अगर हम कहते हैं कि यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, तो आपके यहाँ टॉयलेट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ आपकी टॉयलेट आती है, आपके जीवन से इस दिशा के एट्रीब्यूट्स डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं और आपको कैश क्रंचेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी पेमेंट स्टक हो जाती हैं, डेब्ट्स हो जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो अगर आप देखते हैं कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके चेहरे पे बहुत तेज है, बहुत सुंदर है, तो वो सारा ग्लो देने का काम भी फायर एलिमेंट का ही है। यहाँ पर आपकी अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होने चाहिए,
वाटर बॉडीज नहीं होनी चाहिए, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए आपका यहाँ पर, अदरवाइज आपको बहुत, क्योंकि अगर आप देखें अगर हम फायर पे पानी डालते हैं तो वो क्या होती है, बुझती है। तो आप फायर, आपको डायरेक्टली रिलेटेड टू, मैंने बताया कि आपके कैश से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं उसको हैम्पर करती है। तो मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि आज की वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत अपने क्लोज लगेगी, आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे। तो इस, ये ब्यूटीफुल डायरेक्शन है, इसका यूज़ कीजिए और इसमें किसी भी प्रकार के इम्बैलेंस को दूर कीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अपने लेआउट्स, अगर हमें यहाँ कोई इम्बैलेंस दिखता है तो डेफिनेटली हम उसको वास्तु रेमेडीज के थ्रू बैलेंस करके आपके स्टक पेमेंट इश्यूज, आपके लोन इश्यूज, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इश्यूज हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हैं। आप देखते हैं कि आप हमारे हिंदू रिलीजन के साथ साथ सभी रिलीजन में किसी ना किसी फॉर्म में अग्नि का यूज़ होता ही होता है, क्योंकि अग्नि तत्व एक बहुत ही ऑस्पिशियस तत्व माना जाता है। हाँ, आप देखते हैं शादियों में, ये शादी के लिए दिशा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मांगलिक काम जो होते हैं वो बिना अग्नि के पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इस दिशा की एट्रीब्यूट्स को अपने लाइफ में उतारिए, उसे इंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत फ्रूटफुल लगी होगी। आपने जाना होगा कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें इस दिशा से गवर्न होती हैं, और डेफिनेटली इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव और यू कैन डू एनी काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन एट योर होम इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन डू एंड कीप शेयरिंग योर क्वेरीज, योर लेआउट्स विद अस। I hope you find today's video informative. So please like it, share it and subscribe it. Hope to see you soon guys. Till then, take care. Bye-bye.